नाम क्या है इसका? पवन कुमार मिश्रा जी। नहीं नहीं हाथी का। हाँ जी हाथी का। हरिओम दोस्तों। और मैं जैसे वीडियो बनाने लगा तो मम्मी जी अंदर छुप गए। और यहाँ पे साथ में चेरी बैठी है, देखिए चेरू। और यहाँ पे हो रही है सफाई। रुक, खोल। अच्छा? डॉली। डॉली मिठू चलो आ। और यहाँ मैं थोड़ा सा बेसन लाया था। डॉली अरे चलो खा ले। नो डॉली से तो दोस्तों ऐसे होते हैं हस्की। चलो घूमी घूमी चलो 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 बाय चेरू। डॉली मम 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 चलो आ चला। चला कम अगर आपका डॉग पानी में अगर आपका डॉग पानी कम पीता है तो आप ट्रीट को पानी में मिला के पिला सकते हो। डॉली हटो फिर ये पानी भी पिएगी। देखो पीले ले डॉली। और लगभग इसने खत्म कर ही दिया है पानी। देखिए ये देखिए डॉली इतना सा बचा। हेले हेलो गुड गर्ल से कुत्ते भौंक रहे हैं। वहां पे तो चेरी भी भौंक रही है। डॉली सोच रही है कि मैं एकदम से भाग जाऊंगी लेकिन नहीं। नो डॉली चलो अंदर। जब भौंकना चाहिए तब चेरी भौंकती है और जब डॉली को भौंकना नहीं चाहिए तो बिना मतलब से डॉली भौंकती है। Meanwhile देखिए आज बनी है कड़ी पकौड़े वाली। जो कि साथ में है चावल जो कि यहाँ रखे हैं। ये है कल की थोड़ी सी भिंडी बची हुई। बाकी दोस्तों ये जो फ्रिज है कम से कम ये 16-17 साल पुराना है। देखिए अभी भी चला हुआ है बिल्कुल ठीक। तो अभी मैं जा रहा हूँ पोल्ट्री फार्म सुंदरनगर में घर से। 2 दिन से मैं गया नहीं हूँ। बाकी बाइक की सर्विस करवाने को आई है तो बाइक को यही रखूँगा। बस में जाऊँगा बस में आऊँगा। और डॉली यहाँ पर घूम रही है। Few inches later. हरिओम अभी मैं आ गया सुंदरनगर से अपनी यहाँ लोकल मार्केट में। और देखिए पीछे हाथी आ रहा है। इसके लिए मैंने केले ले लिए हैं। Few moments later. ये देखिए आज रात को ये यहाँ पे स्टे करेंगे इस मंदिर के प्रांगण में। अभी पेड़ से टहनियाँ निकाल रहे हैं पत्तों की। इसके लिए खाने का जुगाड़ कर रहे हैं ये। नाम क्या है इसका? पवन कुमार मिश्रा जी। नहीं नहीं हाथी का। हाँ जी हाथी का।
पवन कुमार मिश्रा। हाँ जी। इस हाथी का नाम है पवन कुमार मिश्रा, मेल है ये। हाँ जी। कितने साल का हो गया? 36 का जी। 36 साल का? हाँ जी। मेरे से बड़ा है ये। करे आप घबराओ नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं करता। हाँ जी। ओ देखिए दोस्तों, कितना बड़ा ह्यूज हाथी है। और यहाँ पे ये जुगाड़ हो गया इसके खाने का, अभी और भी निकालेंगे। हाँ जी सर, और भी निकालेंगे। जैसे दिन में जैसे 1 से 1.5 क्विंटल खा जाते हैं ये, जैसे कोई ब्रेड खिलाता रहता है, बिस्कुट खिलाता रहता है। दिन में जी हम 15 से 20 किलोमीटर के करीब सफ़र तय करते हैं, क्योंकि इनके खाने के लिए इंतजाम सबसे पहले देखते हैं मंदिर तीर्थ स्थान, ऐसा देखकर तब हम स्टे करते हैं जी। कितने लोग हुआ? हमारे ये 11 बाबा महात्माओं की जमात होती है, ठीक है जी। और हम वैसे वर्ल्ड लाइफ से अपने SS सूद जो हैं शिमला के, उनसे परमिशन लेकर तब हम ये यात्रा के लिए चलते हैं। चलते कहाँ से हो? सर हम लुधियाने से चलते हैं जी। और लास्ट पॉइंट? लास्ट पॉइंट हमारे चिंतपुर्णी माता में हमारा जो लास्ट होता है जी। इस 3 ट्री में से मतलब कि हम डालियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, उन पे से जो क्या कहते हैं अच्छी डालियाँ होती वो चुन चुन के हम इनके लिए रख रहे हैं, जिसपे ना ही तो कोई पक्षी की बिट लगी हो और साफ़ सुथरी हो, इनको खाने में टेस्टी बहुत लगे इसलिए जी। अच्छा, तो आपने लिया कहाँ से था जब छोटा था? सर ये हमारे दान पत्र का है सुखने चढ़ावे का, जो हमारे गुरु महाराज की क्या कहते आशीषों से किसी व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, उन्होंने हमें हर के पौड़ियों में दान कराया था। ये बच्चा था तब या बड़ा था? ये 6 साल का था जी उस समय। अच्छा अच्छा, मतलब आज से 30 साल पहले। हाँ जी सर, हमारे ये फैमिली मेंबर है। और बट इसमें क्या कहते हैं कोई भी वस्त्र नहीं रखने हैं, जो भी सामान होता है ज़्यादा अतीत तो हम बस में रख कर आगे चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, 1-2 महात्माओं को भेज देते हैं हम। अच्छा अच्छा। इस पर कोई ज़्यादा वेट नहीं रखते। फिर वहाँ कितने महीने रहोगे आप चिंतपूर्णी माता? वहाँ पर जी हम 1 रात और 1 दिन रहते हैं, वहाँ भंडारा वगैरह कर कर उसके आगे फिर हम चले जाते हैं नीचे पंजाब पर। सर ये हम घूमते नहीं हैं, कहने भाव ये है ना कि जी हमारे साथ कुछ भी जीवन में कुछ भी नहीं जाता है, यात्रा ही हमारे साथ जाती हैं। इंसान तो एक माटी के पुतला है जी, जब तक इस हृदय में सांस है तब तक ये जीवित है जी, ठीक है। हाय हाय तो जीवन भर ही लगी रहती है, अखाड़ा अलग लगता है हमारा। ये जो मंदिर है यहाँ इस प्रांगण में ये बैठ गए हैं बाबा जी, और यहाँ पे कमरे भी हैं जहाँ पे ये आज अपना सामान रखेंगे, सोएंगे और यहीं पर ही स्टे करेंगे, खाना खाएँगे बनाएँगे। यहाँ पर पूजा होगी, देखिए बढ़िया है। खाना आप खुद बनाओगे? हाँ जी, खाना हम खुद बनाते हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि गणेश जी का भी भोग लगता है ना। अच्छा, गणेश जी को भोग लगता है? भोग लगकर प्रथम पूजे, क्योंकि ये होते हैं इनके भोग लगने के बाद फिर हम ग्रहण करते हैं। सामने देखिए दोस्तों, बादल ही बादल छा गए हैं, बारिश का मौसम हो गया है फिर से। वो वहाँ पर खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, बाकी मैं भी अभी निकलता हूँ घर के लिए। चैरी और डॉली के लिए मैंने चिज्जी ली हुई है ट्रीट, तो उनको बहुत खुशी होगी। आप देखना कि 7 बजे इन्होंने कहा सुबह जल्दी आ जाना, तब ये हाथी को नहलाएंगे 7 बजे, तो मैं आ जाऊंगा, फिर ये निकल जाएंगे। The next day. अभी मैं पहुंच गया हूँ घर में, अगला दिन है और डॉली के लिए ये ट्रीट है, चेरी भी साथ में है। रात को मैं वीडियो एडिट कर रहा था, तो जो ट्रीट लाया था कल वो रात को ही दे दी थी, तब सो गए थे तो मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। से ओए, कैमरे को मार रही है डॉली। नो चैरू, डॉली, हेलो। कोइंसिडेंस देखो, ये दोनों हीट पे आई हैं, ब्लीडिंग होती है तो फर्श भी खराब हो जाता है, तो कल मुझे डॉली शिमला लेके जाने पड़ेगी। वहाँ पे मेल है एक हस्की मेरे फ्रेंड के पास, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। हरिओम।